हमीरपुर जनपद में पागल कुत्तों का आतंक। थाना सुमेरपुर क्षेत्र के महुवर गांव में पागल कुत्तों का आतंक बना हुआ है। आज सुबह पागल कुत्तों ने एक ही गांव के सात लोगों को अपना शिकार बना लिया। कुत्तों के शिकार होने वालों में एक 12 साल और 7 साल के बच्चे भी शामिल हैं। सभी पीड़ित जिला अस्पताल में इलाज करवाने पहुंचे। पागल कुत्ता विद्यालय के अंदर घुसाया। अच्छा, तो जो है अंदर की ओर भागता जा रहा था, प्रबंधक जी ने उसको एक डंडा से मारा, वो बाहर भागा। आगे हम प्रचार के लिए निकल रहे थे, बस के पीछे था मैं, तो जब मेरी तरफ आया तो मैंने भी मारने के, तो एकदम से मेरे पास हाथ में यहाँ पे काट लिया है। मैं अपने दरवाजे में आंगन में बैठा था, कुत्ता आया, मेरा नाती था लड़की का, मतलब अगर लड़का था तो उसके काटने में जब बच गया, मैंने जब भाई साहब देखा तो उसकी उसको मैंने मेरे पास कुछ नहीं मिला तो लात मारा। इसके बाद मैं उसको पकड़ कर दूरी चला जाऊँ, उसने फिर मुझको यहाँ पकड़ कर उसको रोड में RCC में गिरा दिया। यूपी के हमीरपुर जनपद में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां चरित्र पर उंगली उठाने से नाराज महिला ने अपने भाई और दो बेटों के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शव को रजाई में लपेटकर बर्मा नदी के किनारे झाड़ में फेंक दिया। इतना ही नहीं, शव पर तेजाब डालकर जला दिया। जिस स्थान से कंकाल बरामद हुआ, उस मंजर को देखकर हर शख्स हैरान रह गया। मामला हमीरपुर जनपद के मुस्करा का है, जहां पर कातिल पत्नी ने थाने में झूठी गुमचुदगी की सूचना दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। मृतक इंदल के पिता ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसके पुत्र को उसकी बहू, पोते व बहू के भाई ने मार डाला है और गुमचुदगी की झूठी सूचना थाने में दी है। मृतक के पिता ने बहू के चाल चलन पर शक जताते हुए कहा कि बहू के पास कई लोगों का आना जाना था, उसका पुत्र इंदल इसका विरोध करता था। तभी रात करीब 12 बजे इंदल को शराब के नशे के इंजेक्शन और कीटनाशक दवा मिलाकर पिलाई गई, जिससे उसकी मौत हो गई। लाश को सभी लोगों ने रजाई में लपेटकर बर्मा नदी किनारे झाड़ में डाल दिया और तेजाब डालकर शव को जला दिया। मृतक के पिता ने बताया कि नदी किनारे अस्थि पंजर दिखाई देने पर उसे शंका हुई, तभी उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने घटनास्थल से शव की खोपड़ी, पैर की हड्डी और उसी के पास खाली पड़ी तेजाब की बोतल बरामद की है। इसके साथ ही घटनास्थल पर मिले कपड़ों से इंदल की पहचान हुई। वहीं पुलिस ने मौके से मिले अस्थि पंजर आदि को बरामद कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ हत्या कर शव को छिपाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। हम बहुत परेशान हो गए, हमें खाने के लिए कुछ नहीं बचते, इसलिए हम बहुत परेशान। कैसे मारा? फिर हमने दारू में दवाई पिला दी। कौन सी दवा? फिर फिर क्या किया? इसको नदी के किनारे छोड़ दिया। और कौन कौन था तुम्हारे साथ में? ना तो हमें बच्चा हाथ ही हमारे लोग। कितने लोग? तीन लोग। परिवार वालों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। उन्हीं के निशानदेही में सस्पेक्टेड एक शव मिला है, जिनको इंदल लोधी सनाहराम सेवक के रूप में पहचान लिया गया है। कैसे मारा इनको, किसने मारा, इस संबंध में इनके परिवार वालों के द्वारा जो दी गई गुमशुदगी के संबंध में इन्हीं के परिवार वालों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, जाँच की जा रही है जल्द से जल्द इसको, और पूरा पर्दाफाश किया जाएगा। ब्रेव न्यूज़ लाइव के लिए हमीरपुर से हरी माधव मिश्र की रिपोर्ट।